आज हम बात करेंगे गूगल पे ऐप के बारे में। इस ऐप में कभी कभी हमें फेल ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। हमारा अकाउंट से जो बैलेंस जो है वो कट जाता है, लेकिन हमारा ट्रांजेक्शन जो है फेल हो जाता है। मतलब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, फिर भी अमाउंट डिडक्ट हो जाता है अकाउंट से। तो मैक्सिमम केसेस में तो हमें ऑटो रिफंड मिल जाता है, लेकिन यह जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि ऐसे केसेस में, फेल ट्रांजेक्शन के केसेस में, या फिर ट्रांजेक्शन के रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो हम अपना कंप्लेंट को कहाँ पे रजिस्टर कराएं, गूगल पे का हेल्पलाइन जो है वो कहाँ पे है, ये हमारे लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं ये पूरा प्रोसीजर क्या है। पहले हमें गूगल पे ऐप को ओपन करना है। इसमें देखिए, जब हम प्रोफाइल पे, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ये सेक्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमारा अकाउंट से रिलेटेड सारा डिटेल दिया हुआ है, तो इसको हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हेल्प एंड फीडबैक का सेक्शन है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है, एक तो हेल्प आर्टिकल्स, दूसरा है कॉन्टैक्ट। अगर हम हेल्प आर्टिकल को सिलेक्ट करेंगे तो हेल्प से जुड़े बहुत सारे सवाल और इनके जवाब हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके बारे में हम जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने कॉम्प्लेंट को रजिस्टर कराना चाहें, कॉन्टैक्ट करना चाहें, तो कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट ऑप्शन में दो ऑप्शन हमारे पास हैं, एक तो चैट का है और दूसरा है फोन का। तो फोन ऑप्शन को जब हम सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट कॉल बैक, यानी कि हम अपना फास्ट नेम दे देंगे और फोन नंबर दे देंगे और इशू को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, तो हमें गूगल पे की तरफ से एक कॉल आएगा जिसमें हम अपना प्रॉब्लम जो है उसको बता सकते हैं और हमारा जो भी परेशानी होगा उसको कंप्लेंट को रजिस्टर कर दिया जाएगा और हम यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए कुछ फायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।